जीत का दावा किया है काके में? देखिए काके में पहले भी हम 23,000-25,000 वोट से जीता हूँ। इस बार हमारे उम्मीदवार जीतू शरण राम जी 50,000 वोट से काके से जीतेगा, ये मैं विश्वास का साथ बोल सकता हूँ। सर काके की जनता, क्योंकि बीजेपी का गढ़ रहा है और लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, खासतौर पर अपने जो मूलभूत चीजें आदिवासियों के उस पर काफी ज्यादा फोकस है। देखिए पहला बात घुसपैठियों का समस्या है, दूसरा बात ये सरकार ने बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया और मैया सम्मान योजना शुरू किया, घर में सास और बहू को लड़ाई करवा दिया, एक का पैसा काट के एक को दे रहा है, ये सरकार ने सारे गलत काम किया। मेरा विश्वास है वादा खिलाफी वाला सरकार, घुसपैठियों को संरक्षण देने वाला सरकार को जनता पराजित करेगा। साथ में हमने ये भी वादा किया हो कि झारखंड का जनता का जो सहारा में वैध रूप से पैसा पड़ा हुआ है, जो लोगों ने सहारा में डिपॉजिट किया था, ये पैसा हम पाई पाई लौटा के दूंगा, ये अमित शाह जी ने वादा करके गया है। लोग उत्साहित है, सारू और उत्साह और उमंग का एक वातावरण है। काके में भी हम 50,000 वोट से जीतेगा और झारखंड में भी एनडीए और बीजेपी का सरकार बनेगा। सर जेएमएम कह रही है कि आप अलग अलग जगहों पर भ्रम फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए मैं ऐसा एक शब्द भी नहीं बोल रहा हूँ जो हाईकोर्ट नहीं बोला है, मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ जो सुप्रीम कोर्ट नहीं बोला है, मैं एक शब्द नहीं बोला हूँ जो हमारा मैनिफेस्टो में लिखा नहीं है। मुझको बताइए कौन सा सब मैंने गलत बोला हूँ। मुख्यमंत्री का एक बहुत सीरियस एलिगेशन है ईपीआई पर और आप लोगों के ऊपर कि सिमडेगा जिले में फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट है, रात के अंधेरे में फोर्सेस फायरिंग करती है, दहशत का माहौल बनाती है। देखिए सिमडेगा में मैं अभी जाके आया, कोई दर्शक का माहौल नहीं है, झारखंड का मुख्यमंत्री ही झारखंड का गृह मंत्री है। अगर ऐसा हुआ है सिमडेगा में ऐसा हुआ है तो मुख्यमंत्री जी को रिजाइन देना चाहिए, इसलिए कानून व्यवस्था जब तक नया मुख्यमंत्री नहीं आएगा तब तक हेमंत सोरेन जी का हाथ में ही है।